हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट अचारी मिर्ची की रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और आपके खाने के स्वाद को 2 गुना बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं, रेसिपी तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ मिर्ची लिए हैं, उन्हें धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है और इन्हें कट कर लिया है। फ्रेंड्स, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें ऑयल को डाल देते हैं। हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर उसमें हम हींग डालते हैं और जीरा ऐड कर देते हैं। अब हमें इसमें कटी हुई हरी मिर्ची को इसमें ऐड कर देना है। हमने धीरे धीरे करके सारी मिर्ची को इसमें ऐड कर दिया है और हम मिर्ची को अच्छे से मिला लेते हैं। इसे 2 से 3 मिनट तक पकाते हैं ताकि हमारी मिर्ची अच्छे से बन जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्ची और धनिया पाउडर ऐड किया है और मैंने नमक को इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है और 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर की ऐड की है। और इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिल जाए। अब मसाला मिल चुका है, इसे हम 2 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। अब 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला पककर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला ऐड करते हैं। ये मैंने अपने घर का ही अचार का मसाला ऐड किया है और उसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर इसे रख देते हैं ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। अब फ्रेंड्स, हमारी मिर्ची बनकर तैयार है। तो आपको मेरी ये इंस्टेंट अचारी मिर्ची की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए करते हैं हम तैयार दूसरी इंस्टेंट करेले की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है और ये आपके खाने के स्वाद को और भी 2 गुना बढ़ा देती है। मैंने यहाँ पर कुछ करेले लिए हैं और उन्हें कट कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें तेल को डाल लेते हैं और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें हल्का सा नमक डालते हैं और इसमें हम जीरा और हींग को ऐड करते हैं और उसके बाद हम कटे हुए करेलों को ऐड कर देते हैं और उसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि करेले अच्छे से मिल जाए और इसे 1-2 मिनट तक पकाते हैं। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और ध्यान रहे हमने नमक यहाँ पर पहले भी डाला है तो कम ही ऐड करना है और इसे हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और हम अपने करेलों को अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हमारे करेले पके नहीं हैं तो इसे हम 1 मिनट के लिए और ढक देते हैं और 1 मिनट हो चुके हैं, हमारे करेले तैयार हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और थोड़ी देर तक पकने देते हैं। अब हमारा मसाला पक चुका है, इसमें हम घर का बना हुआ अचार का मसाला ऐड करते हैं और इसे 1 मिनट के लिए ढककर पकने देते हैं। अब हमारा मसाला पककर तैयार है। अब हमारी करेले की इंस्टेंट रेसिपी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।